हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आपके ईएन रूल के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका तीसरा सेगमेंट क्या था बच्चों हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। क्या था बच्चों हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। अब समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी क्या होती है बच्चों, इसको हमको दिया एल पॉलिंग भाई साहब ने। किसने दिया, एल पॉलिंग भाई साहब ने। बहुत ही प्रॉब्लम से बीते हुए ये हमको समझना है, ठीक है। एल पॉलिंग भाई साहब ने दिया हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा कौन आया, स्ट्रक्चर आया, उसके बाद हमारा कौन आया बच्चों, उसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन हमारा बाद में आया। पहले कौन आया, स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन से कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर वी विल यूज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसका सहारा लिया। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर आया, इस बात का ध्यान रहे। बाद में हमारा क्या आया बच्चों, बाद में हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया, इस चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से एक एक करके, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो हमको हमेशा ये मानना है मेजरली कि पहले स्ट्रक्चर आया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आया, ठीक है। अब एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, सबसे पहला लाइन है इसका, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मतलब कौन कौन से, SPDB हो सकते हैं, इन metal ion is present in compound which is equal to the coordination number। मतलब क्या समझ में आया, मतलब हमारे जो मेटल आयन होंगे, मेटल आयन के अंदर समझना बात को ध्यान से, मेटल आयन के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल किसके इक्वल होने चाहिए, मेटल आयन के अंदर जितने एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होने चाहिए ताकि क्या करेगा, लिगेंड अपना लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल में पहुंचा सकेगा, मतलब लिगेंड को अगर अपना लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल में पहुंचाना है तो नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। आप समझना एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो समझना यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना है साइड में नोट्स में डाल के। एम्प्टी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, दो। अब एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंट अपना लोन पेयर देगा, लिगेंट अपना क्या देगा, लोन पेयर देगा एम्प्टी ऑर्बिटल में। जब लिगेंट ने अपना लोन पेयर अगर एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर होते हैं, एक एम्प्टी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। कितने आ सकते हैं, दो। एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, दो। तो लिगेंट तो यहाँ पर क्या दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक साथ, दो। तो उसके लिए एम्प्टी की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अगर मेरे पास एम्प्टी ना होके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब वहां से लिगेंट अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन। क्या तीन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, नहीं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही रह सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से हमको यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट समझेंगे, दीज एम्प्टी ऑर्बिटल, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स एस पी डी
एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म एंड फॉर्म्ड न्यू न्यू ऑर्बिटल एंड दिस कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेट इन एम्प्टी ऑर्बिटल which is participate in hybridization. मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि एम्प्टी ऑर्बिटल SPDF का आपस में इंटरमिक्स्ड होंगे. SPDF ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे बच्चों? इंटरमिक्स्ड होंगे ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स और एक नए ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे और एक नए ऑर्बिटल्स को आपको फॉर्म करेंगे. फॉर्म न्यू और ऑर्बिटल्स कॉल्ड क्या? इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल. उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल. और जो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जो आपके किस में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. और इसी पूरे प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन. ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन. मतलब क्या हुआ? SPD ये है, ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है. कौन सा ऑर्बिटल है? एम्प्टी ऑर्बिटल है. एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है. ये आपका इंटरमिक्स्ड हुआ. ये आपका क्या हुआ? इंटरमिक्स्ड हुआ, ठीक है. और यहाँ पर क्या बनाएगा? न्यू ऑर्बिटल. क्या बनाएगा? न्यू ऑर्बिटल. और इसी न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसी न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल. बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब बात को ध्यान से समझना है. एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल से आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. एंड एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होंगे? डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट सिमिलर एनर्जी के होंगे. और यहाँ पर क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो आपके सेम शेप, इसकी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, सेम शेप एंड सेम एनर्जी, दोनों में अंतर है. हाइब्रिड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है. अब मैंने आप लोगों को बताया था एक टर्म हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? वो बॉन्ड आपका कौन सा बनता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा. मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. मतलब सिग्मा ओवरलैप होता है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट को समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं. यहाँ पर लाइनें समझ लो, बस आप लाइनें समझ लो. एक बार इन्हें रीड मारोगे लाइनें, समझ में आ जाएगी. कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है. अगर हाइब्रिडाइजेशन में, अब देखो अगला लाइन, इफ इन हाइब्रिडाइजेशन थर्ड, इफ इन हाइब्रिडाइजेशन N-1D ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट then it is called inner d orbital complex. इसको क्या बोलेंगे? inner d orbital complex बोलेंगे. बात क्या है? नहीं आई समझ में. आई होप सो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा. देखो
जिसे 3D 4S 4P काम में आया। तो 4S और 4P के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया बच्चों आपका, n माइनस वन ही हो गया ना, n की वैल्यू 4 रखो। तो ये अंदर वाला d काम में आया ना, अगर अंदर वाला d काम में आए तो इसको क्या बोलेंगे, इनर d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। बात समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वो इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से बोलते हैं हाइपर लिगेटेड, हाइपर लिगेटेड, हाइपर लिगेटेड, हाइपर लिगेटेड बोलते हैं, सॉरी लिगेटेड बोलेंगे, लिगेटेड नहीं लिगेटेड, हाइपर लिगेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इफ इफ इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, एंड डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड आउटर डी, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बात समझना है एक और बार, अगर मेरे पास 4s 4p 4d काम में आया, बाहर वाला d काम में आया ना, बाहर वाला d काम में आया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोलिगेटेड, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया इनर डी ऑर्बिटल एंड आउटर डी ऑर्बिटल के कंसेप्ट के बारे में, जो कि आपका काफ़ी ईजी है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब क्या करेगा, अब एक्चुअली लास्ट स्टेप जो है इसका, लिगेंट, लिगेंट विल डोनेट, विल डोनेट, डोनेट लिगेंट विल डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन दीज, इन दीज एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंट अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल आयन में, और यहाँ पर क्या करेगा, अगर अब यहाँ से बात चलती है हमारे लिगेंट की, यहाँ से बात चलती है हमारे लिगेंट की, इफ लिगेंट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, इफ इफ लिगेंट आपका कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हो, इफ लिगेंट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, देन 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 इलेक्ट देन आप देन अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, विल बी पेयर, मतलब जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा वहाँ क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होगा। अगर इफ लिगेंट इज वीक फील्ड लिगेंट, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंट होगा तो क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंट होगा तो क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन रिमेन सेम, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका सिमिलर रहेगा। बात समझ में आ गया, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, बात क्लियर है। ये तो हो गया आपका इसका, अब इसमें फिफ्थ पॉइंट ये है बच्चों आपका, फिफ्थ पॉइंट आपका ये है यहाँ पर कि इफ इफ एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इन मेटल आयन, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल आयन, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन मेटल आयन, मेटल आयन जनरली, जनरली ये आपका क्या होगा बच्चों, कौन से नेचर का होगा, ये आपका होगा ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो।
अगर आपका इफ इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, देन आपका नॉट प्रेजेंट इन मेटल आयन, में प्रेजेंट नहीं होगा, देन जनरली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डायमैग्नेटिक टाइप का, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक टाइप का। ठीक है, ये बात को ध्यान रखो, डायमैग्नेटिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका वीबीटी के बारे में। मैंने आपको सिक्वेंस वाइज बता दिया, इस सिक्वेंस को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं मेरे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतने प्यार से इतने अच्छे से हम लोग कर लेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। जनरली बोलता हूँ, मैंने जो तरीका बताया वो जनरल बताया, ठीक है ना। जनरली तरीका मैं बताता हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारे सिलेबस में दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी है, होता है लेकिन वो सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, हमेशा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। इस लाइनों को ध्यान रखो, स्ट्रक्चर आपका होगा ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अगर 4 है तो आपके दो स्ट्रक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी है, कितने स्ट्रक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी है, दो स्ट्रक्चर। एक बनेगा बच्चों आपका टेट्राहाइड्रल, एक बनेगा आपका बच्चों यहाँ पर स्क्वायर प्लैनर, क्या बनेगा, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, और यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा बच्चों ट्रायगोनल प्लैनर बायपिरामिडल, स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होगा बायपिरामिडल, क्योंकि अभी अभी एग्जाम हुआ है, ट्रायगोनल प्लैनर बायपिरामिडल। ठीक है, ये हो जाएंगे तीन स्ट्रक्चर। अब मैंने स्ट्रक्चर्स तो आपको बता दिए, अब स्ट्रक्चर के बाद में बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर के बाद में हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कैन बी अलाउड, यहाँ पर दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अलाउड हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक आपका sp3d2 और यहाँ पर d2sp3। अब सर ये अलग अलग क्यों है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ डी कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, और यहाँ डी कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। यहाँ डी आपका कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो अगर डी अंदर आएगा तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर डी आपका बाहर आएगा तो क्या होगा, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। अब आउटर डी और वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों चीजें आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। टेट्राहाइड्रल, कब बनता है बच्चों, जब आपका sp3 होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा, डी एस पी टू होगा, मतलब एक डी एक एस और दो पी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका स्क्वायर प्लैनर बनेगा। अब यहाँ पर भी डी कौन सा वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, अंदर वाला, अंदर आ रहा है ना डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर डी और बाइटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे इनर डी और बाइटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ट्रायगोनल प्लैनर बायपिरामिडल, आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, sp3d यहाँ पर भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इसको उतना नहीं देते, sp3d भी हो सकता है और आपका dsp3 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आउटर डी वाला, ये आपका होगा इनर डी और बाइटल कॉम्प्लेक्स। बातों को ध्यान से समझना, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको ज़्यादा फोकस करो, इन दोनों को, अब हम बात करते हैं, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, अब इस फ्लो चार्ट में देखिए कि कैसे हमको डील करना है। अब इस फ्लो चार्ट में समझना, लिगेंट आपके दो टाइप के होते हैं, देखो लिगेंट आपके दो टाइप के होते हैं, लिगेंट आपके टाइप, मैंने बोला था हर जगह टाइप बदलेंगे,
लिगेंड आपके दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है एक, एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने से वो हमेशा अंदर अंदर वाले डी को खाली कर देगा, हमेशा अंदर वाले डी को खाली कर देगा। तो जनरली जो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आपके बनते हैं। अभी जब मैं बताऊंगा एग्जाम्पल तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये भी आपका किससे बनेगा, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। बस अभी ध्यान रखो कौन से कैसे बनेंगे, अंदर वाले को, अंदर अंदर वो ऑर्बिटल को प्रेजेंट कराएगा। अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि ये मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक यहाँ पर पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, फोर्स टू पेयर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको पेयर करेगा, ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, सॉरी ये आपका इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये आपका इसके साथ पेयर हो, पेयर होके क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, पेयर होके ऐसा हो जाएगा बच्चों ये। अब देखो यहाँ पर दो इनर वाला खाली हो गया ना, यहाँ पर दो इनर डी ऑर्बिटल आपका खाली हो गया। अब यहाँ पर जब आपका दो इनर डी ऑर्बिटल खाली हो गया तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करेगा हमेशा, कौन से में, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, वो खाली करने के काम आता है। अब देखो यहाँ पर भी जनरली किसके प्रेजेंस में होगा, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब बात में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बस ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी आता है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी आता है। मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर समझना, यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा मैंने बनाया, एक दो तीन चार पाँच, इसका स्पिन इस तरफ, 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 और एक मैंने स्पिन किया आपका ऐसा, इसका स्पिन इस तरफ, इसका स्पिन आपका, इसका स्पिन आपका इस तरफ, इसका स्पिन इस तरफ, इसका स्पिन इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, इसका स्पिन इस तरफ, इसका स्पिन इस तरफ, तो टोटल नेट स्पिन, इसके स्पिन ने आपस में कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ पर दो ही का बचा, यहाँ पर पांच का बचा। तो स्पिन किसमें ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्पिन ज़्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है तो मतलब कि क्या होगा बच्चों, ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जिसमें पेयरिंग नहीं होती वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला होगा, ये बात ध्यान रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला होगा, ये भी आपका कौन सा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, स्पिन मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्पिन कॉम्प्लेक्स की स्पिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक समरी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर लिगेंड के बारे में चर्चा करते हैं, लिगेंड एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो लिगेंड आपके कौन से स्ट्रांग होंगे और कौन से वीक होंगे वो मैं जनरली आपको लिखा देता हूँ, अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड समझना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहला एक साथ यूज करने की कोशिश करना, सबसे पहला कार्बन डोनर, जहाँ पर लोन पेयर कार्बन देगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, फिर फॉस्फोरस डोनर, फिर कौन सा डोनर होता है, फिर आपका होता है कार्बन डोनर, फॉस्फोरस डोनर, फिर आपका आता है
हाँ नहीं, नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, फिर आपका आता है ऑक्सीजन डोनर, फिर आपका आता है यहाँ पर हैलोजन डोनर, हैलोजन डोनर, ये आपका ऑर्डर चलता है। और यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रांग होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रांग फील्ड होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका वीक होता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा एक क्वेश्चन, पक्का आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, सर ये नाइट्रोजन डोनर वीक भी होता है स्ट्रांग भी होता है। हाँ, नाइट्रोजन डोनर के कुछ कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कभी दिखाते कुछ कभी दिखाते, वो मैं अभी आपको बता बताऊंगा। तो एक सीरीज में आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। मैं एक सीरीज, सिंपल सा सीरीज लिखाता हूँ, फिर बाद में इस सीरीज के सीएफटी थियरी में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ सीएफटी में। तो इसीलिए अभी मैं आपको लिखा देता हूँ, देखो सीओ सीएन, ये दोनों कार्बन डोनर है, ये दोनों कौन से डोनर है, कार्बन डोनर है, ठीक है। यहाँ पर आया पी पी एच थ्री, पी पी एच थ्री, पी एच ई एन, ये दोनों, ये आपका फॉस्फोरस डोनर है, देखो जैसे लिखा रहा हूँ वैसे समझना, फॉस्फोरस डोनर है, ये आपका नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। इसके बाद आपका आया बाई पाई, बाई पाई, ये भी आपका कौन सा डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है। इसके बाद आपका आया ई एन, ये भी आपका नाइट्रोजन डोनर है, एन एच थ्री, ये भी आपका नाइट्रोजन डोनर है। फिर आपका पी वाई आया, फिर आपका आया एच टू ओ, एच टू ओ के बाद आया ओ एच, ओ एच के बाद आ जाएगा बच्चों आप लोगों का हैलोजन्स, हैलोजन्स, ठीक है। ये आगे मैं एक और बार करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, अभी बस इसको जान लो। यहाँ पर जो जो काम आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका नाइट्रोजन डोनर है, ये सारे के सारे आपके नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, और ये आपके सारे के सारे कौन से डोनर है, ऑक्सीजन डोनर। देखो जो ऑर्डर लिखा है वैसा ही है, सबसे पहले कार्बन डोनर, फिर आपके नाइट्रोजन डोनर, इसको ऐसे कर लो ताकि आपको याद रहे कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे आप लोग कंबाइन कर दोगे। हाँ, ये आपका कार्बन डोनर है, ये आपका कार्बन डोनर है, ये आपका फॉस्फोरस डोनर है, ये आपका नाइट्रोजन डोनर है, ये आपका कौन सा डोनर है, ऑक्सीजन डोनर। अब बात आई कि देखो ये जो है इट इज एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, समझना बात को ध्यान से, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। बट इफ मेटल आयन इज, इफ मेटल आयन इज सी ओ प्लस थ्री एंड सी यू प्लस टू, देन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये आपका मेटल आयन के प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल आयन के प्रेजेंस में सी ओ प्लस थ्री, सी ओ प्लस टू में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ से वीक फील्ड लिगेंड स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ से आपका कौन सा लिगेंड स्टार्ट होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि यहीं तक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चलेगा। अब देखो ये भी नाइट्रोजन डोनर आ गया ना, नाइट्रोजन डोनर के कुछ पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। बस इस ऑर्डर को आप अच्छे से मगअप कर लो, अच्छे से इसको कर लिया तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आप लोग डील कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ये पहला था पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डिपेंड अपॉन इट्स डेंटिसिटी, आप समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंटिसिटी, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेंटिसिटी के। जब
जितना ज़्यादा डेंटिसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी आपका बढ़ता जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल करूँ कि यहाँ पर NH3 आपका वीक होता है, मैंने बताया अभी जनरली वीक होता है, बस CO+3 और CU+2 के साथ स्ट्रॉन्ग दिखाता है, मैंने बताया अभी ठीक है वीक होता है। लेकिन EN देखो ये क्या होता है, इथिलीन डाइअमाइन होता है, ये आपका क्या होता है इथिलीन डाइअमाइन होता है, तो ये आपका इथिलीन डाइअमाइन होता है, तो ये भी ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, दिया किसने है तो नाइट्रोजन डोनर। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर है डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर है DMG में भी आपका क्या होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिन, मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, सुनना ध्यान से यहीं पर मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। एक देखो ये यहाँ से भी देगा यहाँ से भी देगा, तो ये एक रिंग फॉर्म कर लेता है, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों, रिंग फॉर्म कर लेता है, और इसी रिंग को हम बोलते हैं, इसी रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं चिलेट रिंग, चिलेट रिंग, बात समझना चिलेट रिंग। तो अब मैं आप लोगों को लिखाता हूँ यहाँ पर चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, which have ability to form ring with metal ion called chelating ligand, उसको हम क्या बोलते हैं chelating ligand बोलते हैं, बात समझ में आ गई, ये होता है ठीक है। अब देखो जैसे मैं अगर बात करूँ पिरिडीन की PY की, तो PY कैसा होता है बच्चों, ये एक देगा, और अगर मैंने बात कर लिया बाई पिरिडीन की तो यहाँ पर क्या होगा ये मेटल आयन को देगा, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों ये बाई पाई की को बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये बना दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, ये मेटल आयन के साथ क्या बना लेगा, ये मेटल आयन के साथ रिंग बना लेगा, और यहाँ रिंग फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे चिलेट रिंग बनेगा, और चिलेट रिंग होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो बाई पाई और पाई में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब जो आपके डेंटिसिटी बढ़ेगा तो चिलेशन ऑफ लिगेंड भी बढ़ेगा, क्या बढ़ता है चिलेशन ऑफ लिगेंड या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन भी होने लग जाता है, रिंग फॉर्मेशन हमेशा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये दोनों जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो मैक्सिमम चिलेट रिंग फॉर्म करते हैं, और चिलेट रिंग फॉर्म करने की वजह से वो स्टेबल होते हैं अपने वाले लिगेंड से ज़्यादा स्ट्रेंथ को दिखाते ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पर कि अब देखो एक्चुअली लिगेंड पे ही डिपेंड नहीं करता ये आपका कहाँ डिपेंड करता है उसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल आयन के ऊपर ठीक है। When we move down in D block, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा होगा उसको समझने की कोशिश करिएगा ठीक है। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, जैसे निकल के नीचे जो भी आता है, नीचे क्या आता है बच्चों PT, इस तरीके से कुछ होता है ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, मतलब क्या होता है नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर होगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाते जाते वीक फील्ड लिगेंड की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सिंपल लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी आपका बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि NiCl4 2 माइनस और मैंने लिखा PtCl4 2 माइनस, तो यहाँ पर Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों है वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये 3D वाला है। लेकिन जैसे ही निकल के ही ग्रुप में मैं नीचे गया Pt पे, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह आपका बिहेव करने लग जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग जानो, इस चीज़ को आप लोग जानो। अभी मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोगों को बताना है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखो, वो सब ध्यान रखो, वैसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, देखे ना आप लोग, कोशिश करना। यहाँ पर आइडेंटिफाई, क्वेश्चन एक, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। आप लोग क्या लगाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फिर कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल कराऊंगा, तो आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला K4FeCN6। अब देखो CN, यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड कौन सा है, मैं सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले एक साथ, फिर हम एक साथ डिस्कस करते हैं। FeCO5, ठीक है। थर्ड CR, जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड निकालना आ जाएगा तब आपको अपने आप क्या आ जाएगा, सब कुछ आने लग जाएगा, ठीक है। सब आप हाइब्रिडाइजेशन तुरंत तुरंत निकाल दोगे, निकल DMG ट्वाइस Cl2, ठीक है। फिफ्थ CoEn, और ऑर्डर भी देख सकते हो आप लोग, Cl2Cl, और सिक्स आपका है बच्चों यहाँ पर CuNH3 4SO4। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, आप लोगों को बताना है, ठीक है, काफ़ी इजी है। देखो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड है CN आपका लिगेंड है, और CN आपका लिगेंड है तो कैसा लिगेंड है बच्चों, कार्बन डोनर। कौन सा है, कार्बन डोनर। इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर CO है, CO आपका लिगेंड है। अब CO आपका लिगेंड है तो कैसा लिगेंड है, कार्बन डोनर लिगेंड है, और कार्बन डोनर लिगेंड है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आ रहा है ना कैसे तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। अब NH3, ठीक है, NH3 आपका क्या होता है, जनरली वीक फील्ड लिगेंड, बट इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 एंड CU+2, ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं इसकी लिगेंट की टेंडेंसी यहाँ लिखता हूँ। देखो अब NH3 में क्या यहाँ पर CO है, क्या यहाँ पर CU है, नहीं है ना, तो ये किसकी तरह शो करेगा आपका, वीक फील्ड लिगेंट। समझ में आ गया, वीक फील्ड लिगेंट। ये लाइनें ध्यान रखो, DMG बाइडेंटेड लिगेंट है, मैंने अभी बताया बाइडेंटेड लिगेंट है, और बाइडेंटेड लिगेंट हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, चिलेट रिंग फॉर्म करने की वजह से ये कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होंगे। और ये कौन सा होगा, नाइट्रोजन डोनर होता है। तो नाइट्रोजन डोनर से आगे वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, नाइट्रोजन डोनर के बाद वाले वीक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर EN क्या है बेटा, नाइट्रोजन डोनर बाइडेंटेड भी है, और बाइडेंटेड होने की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, चिलेट रिंग फॉर्म करेगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर अब NH3 है। अब NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर प्लस टू, यहाँ पर Cu किस में है बच्चों, Ax प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू प्लस 2, तो Cu किस में, इसमें प्लस 2 में। तो मैंने अभी अभी लाइन लिखाई है आपको, अभी अभी मैंने लाइन लिखाई है यहाँ पर कि CO प्लस 3 Cu प्लस 2। Cu प्लस 2 के साथ आपका क्या होगा बच्चों, ये NH3 जनरली वीक फील्ड लिगेंड बट इन प्रेजेंस ऑफ CO प्लस 3 एंड CU प्लस 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंस है बच्चों, CU प्लस 2। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे फील्ड के बारे में पता करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करिए आप इस क्वेश्चंस की, इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब थोड़ी देर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीटली नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को खत्म करके हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार आप लोग इसकी थ्योरी को रिमेंबर रखिए। आज मैं यहीं तक क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी थ्योरी को याद कर लेंगे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसकी थ्योरी को याद कर लेंगे। आप लोगों ने अगर इसकी थ्योरी याद कर ली तो आप लोगों को सब आ जाएगा कल के लेक्चर में। तो पहले आप लोग इसकी थ्योरी को रिवाइज करिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।